हेलो फ्रेंड्स, वी है recipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को कुंदरू की सब्जी बनाने की विधि बताऊंगी। वैसे तो कुंदरू की भुजिया भी बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन आपको हम आज सब्जी बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह का कुंदरू होता है। और हम सबसे पहले कुंदरू, यहाँ हम 500 ग्राम कुंदरू लिए हैं। आप सभी सामग्री अपने आवश्यकता के अनुसार रखिए। 500 कुंदरू को हम अच्छे से, 500 ग्राम कुंदरू है और अच्छे से हम इसको साफ पानी से धो लिए हैं और कुछ इस तरह टुकड़ों में कट कर लिए हैं, चार चार भाग। सबसे पहले हम इसको दोनों साइड से इसका थोड़ा थोड़ा साइड निकाल देंगे और फिर हम चार भाग में इसको कट कर देंगे इस तरह से। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इसकी सब्जी, एक बार ज़रूर बनाइए। देखिए, चार भाग में इसको काट कर लेना है। और ध्यान रहे, कभी भी मोटा कुंदरू मत लीजिएगा, जो ज़्यादा टाइट मोटा मोटा हो, कुछ पतला इस तरह का कुंदरू लीजिए, वो पका नहीं रहता है। अगर मोटा लीजिएगा तो उसमें पका भी रहेगा और बीज भी थोड़ा टाइट हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, हम कुंदरू को सही से काट लिए हैं अच्छे से। और कुंदरू थोड़ा खट्टा होता है, तो इसमें हम टमाटर एक ही डालेंगे, मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको बारीक कट कर लिए हैं। और प्याज है एक मीडियम साइज़ का, इसको भी बारीक कट कर लिए हैं। यहाँ थोड़ा सा हम एक अपने तीखा अपने टेस्ट का अकॉर्डिंग के दो मिर्च है, इसको कट कर लिए हैं। अदरक है, ये 5-7 कली अदरक का, लहसुन है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। और मसाला में हम 2 हरी मिर्च लिए हैं और लहसुन अदरक है। और थोड़ा सा हम इसमें लेंगे राई, सरसों है ये, और थोड़ा सा लेंगे धनिया, साबुत धनिया। अगर आपके पास पिसा हुआ धनिया भी है तो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे पास ये धनिया है, तो इसे थोड़ा सा हम डालेंगे, बिल्कुल एक चम्मच, ज़्यादा नहीं। देखिए, इस तरह के चम्मच से एक चम्मच ले लीजिए और इसको बारीक पीस लेना है। तो देखिए, कुंदरू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई रख दिए हैं और कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। इसमें डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल और तेल भी गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हम कुंदरू को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, कुंदरू फ्राई हो रहा है, इसको अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन भूनना है। और यहाँ हम मसाला भी पीस के तैयार कर लिए हैं, तीखा टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। यहाँ 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आवश्यकता के अनुसार डालिए। और यहाँ जीरा काली मिर्च पाउडर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो जाए। तो देखिए, कुंदरू अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको हम प्लेट में निकाल लिए हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल और तेल में डाल देंगे तड़का देने के लिए जीरा, 1/2 छोटी चम्मच हम यहाँ जीरा डाले हैं। जीरा थोड़ा चटकने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, लहसुन 6-7 कली बारीक कटा हुआ, अच्छे से इसको भूनेंगे। अब ये थोड़ा पक चुका है, भून चुका है अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, आवश्यकता सभी सामग्री अपने आवश्यकता अनुसार रखिए, जितना आपको आवश्यकता हो। अब प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, प्याज भून चुका है, इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर को भी हम सॉफ्ट कर लेंगे। जल्दी सॉफ्ट होने के लिए हम इसमें डाल देंगे आवश्यकता के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार नमक इस्तेमाल करना है। और अच्छे से टमाटर और प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनता है फ्रेंड्स। देखिए, टमाटर प्याज भून रहा है, तब हम तक हम मसाला डाल देंगे, जो पेस्ट तैयार करके हम रखे हैं वो डाल देंगे और अच्छे से इन सभी चीज़ों को भूनेंगे। मसाला अच्छे से भूनना है। तो देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कुंदरू और इसको भी अच्छे से भूनेंगे।
तो देखिए मसाले में भी कद्दू अच्छे से भून चुका है, इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी पानी और लगभग आधा ग्लास पानी है, ज़्यादा नहीं, और इसको लो फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। लो फ्लेम पे पकाना है, ये कुंदरू थोड़ा टाइट होता है तो इसको पकने में टाइम लगता है, इसलिए आप लो फ्लेम करके धीरे धीरे कुंदरू को पका लीजिए। तो देखिए कुंदरू बिल्कुल पक चुका है, ग्रेवी अपने आवश्यकता के अनुसार रखिए। देखिए इस तरह से कीजिएगा तो बिल्कुल कुंदरू बन पक चुका है। अब हम सब गैस को बंद करेंगे। तो देखिए कुंदरू की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है, इसको रोटी के साथ या चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल बिहारी रेसिपी सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। धन्यवाद।